बीजेडी शासन में केन्द्रापड़ा जिले में चली बेधड़क बाली लुट 19 बेआईन बालीघाटर 22 कोटी टंकार राजस्व लुट बीजेडी नेता मार्फत होता बेआईन बाली उत्तोलन खणी अधिकारी खुलासा पर केन्द्रापड़ा जिले में कंपन बेआईन बाली चालाण विरोध में तातिले कटक किशननगर जनता शह शह बाली ट्रक जो मुरकुंडी उदयपुर नदीबंध पलटि मरण जंता बालीमाफिया भूस्वर्ग पलटि केन्द्रापड़ा जिले में पांचटी नदी में 19 बालीघाट बेले समस्त घाटर चली बेआईन बाली उत्तोलन पूर्व सरकार बेले बीजेडी नेता छत्र छाय रही बालीमाफिया समस्त घाटर बेधड़क भाव लुटुले बाली आश्चर्य कथा कौन घाटर आदाय हो ना राजस्व ए बेआईन बाली उत्तोलन जो 22 कोटी टंकार राजस्व हर सरकार ये खुलासा कर जिला खणी अधिकारी जेबे आमर हस्तांतर हो माने तहसीलदारू से आमर रेवेन्यू किसी आदाय ना एवं आमर स्टार्ट एवं लेसी माने बसपुर घाटर जे तार 58,43,000 विथ इंटरेस्ट 24% से ऑलरेडी पैठ कर दे प्राय 20-22 माने 22 करोड़ पाखापाखि हम हाँ हाँ ताको आमे चेष्टा करूचु आपण माने सहयोग करूँ चेष्टा करूँ किमती केन्द्रापड़ार राजकोष को पैसा आसू रॉयल्टी आसू रेवेन्यू आसू केन्द्रापड़ार आली रे खरस्रोता नदी बेआईन भाव बाली शोषी तत्कालीन बीजेडी सरकार मंत्री प्रताप देव किभली आलिशान बंगला तैयारी करुथुले से खबर अर्गस देखाइथिला सत सामना को आणिबारु अर्गस प्रतिनिधि प्रभात लेंकांको उपरे होइथिला मरणांतक आक्रमण आक्रमणकारी थिले पूर्वतन मंत्री तथा वर्तमान आली विधायक प्रताप देव खास एवं केन्द्रापड़ा जिले में बेआईन बाली उत्तोलन नहीं खणि अधिकारी खुलासा पर अर्गस आनीथिबा अभियोग होईछि सत प्रमाणित पूर्व सरकार बेले चलीथिबा बाली लुट्र धारा वर्तमान जाए भी अब्याहत रही केन्द्रापड़ा डेराबीसी ब्लॉक बसपुर बालीघाट में बेआईन कब्जा को नहीं गंडगोल होईछि खणि अधिकारी पुलिस फोर्स घटनास्थल में पहुंची परिस्थिति को नियंत्रण करथिले एठारे बालीमाफिया उपद्रव जो गाँव लोके भयभीत अवस्था रहुवा बेले बाली बोझ ट्रक चलाचल जो बारंबार घटू दुर्घटना से बसपुर बालीघाट संपूर्ण बंद करने को दावी कर स्थानीय लोके बालीघाट तो बंद हो दरकार साधारण लोक भारी असुविधा होलीघाटा रहा द्वारा छुआ स्कूल जा पड़ी गाड़ी घोड़ा बाड़ी से बागे मरुँच आक्सीडेट होेणु बालीघाट टोटाली सोमट बंद हो आवश्यक बालीघाट चलने द्वारा भारी असुविधा हो आम चाहूँ ये बालीघाट ये झगड़ा झाटी गंडगोल न होगापी बालीघाट टोटाली बंद होगा चाहूँ ये बालीघाट चलला बेलू विशेष बहुत झगड़ा पार्टी मुंड ये भलमंद होटा तो आम कही पारुनु जोर जबरदस्त सी हिसाब से आसी प्रशासन हिसाब से सपोर्ट कर कि कौन कर आम तो कही पारना विषय बुझिपार कि आम बहुत क्षति हो गाड़ी आक्सीडेट पिला स्कूल जाकूल जावाक हईरा हो विगत दिन में 6 मास भितर दीटा आक्सीडेट जीवन दीटा भी जा कटक जिला किशननगर में भी सामान पिस्थित एठार बालीघाट गुड़िक राजस्व विभाग अधीन खणि विभाग को जवा पर बेआईन बाली उत्तोलन बहुगुण में बढ़ी जा आवश्यक कागजपत नी खणि विभाग भ्रष्ट अधिकारी हाथ बारिश कर नकली ट्रांजिट पास रे करा जाउछि बाली चालाण जहाँ को नहीं अतिष्ठ स्थानीय लोके सालेपुर ब्लॉक किशननगर तहसील अधीनस्थ दीपांचलवासी बेआईन बाली चालाण बंद करने को निवेदन कर मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव और जिलापा उद्देश्य किशननगर तहसीलदार को दावीपत्र आम दाबी कर घाट चलू बेआईन भाव में जो घाट अच्छी नेलाम बंद हो घाट चलू जोटा कि आम रोड रोड सफा रो रोड कम हो घाट चलू रोड रोड सफा रो रोड भी बर्तमान बाली गदा हो सफा होनी रोड तहसीलदार कह तहसीलदार कह हाँ सफा हो तीन दिन ना सफा होनी रास्ता जाए हाइवे बाली उठूँ जो रास्ता बार खराब हो जाए प्रतिदिन दुर्घटना छोट बड़ दुर्घटना घटू तार जनजीवन नष्ट होमें चाहूँ जमी प्रपर्ली जो सिस्टम अच्छी है से सिस्टम बाली जाऊ रास्ता मरामती भी होना सालेपुर मुरकुंडी ठारु उदयपुर पर्यंत 10 किलोमीटर मध्य 5 रु अधिक बालीघाट अच्छी प्रति घाटर एकाधिक जेसीबी मेसीन द्वारा दिन राति बाली उठा चली नदीबंध रास्ता कटक जगत सिंहपुर जिला को संजोग करिबार मुख्य रास्ता ए रास्ता दे दैनिक सहस्र गाड़ी मटर जाआस करुछि तेबे दिन राति बाली बोझ हाइवा जाआस करिबा जोगु नदीबंध पलटि मरणजंता जदि जिला प्रशासन तुरंत कार्यानुष्ठान न निए
ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲୁ, ବାଲିଗୁଳାରେ ବହୁତ ଆମର ଖାଲ ଖମ୍ବା ରାସ୍ତା ହେଇକିରି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ, ଛୁଆ ବି ପଡ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତିନି ଚାରି ଥର ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଲିଖିତ ତହସିଲରେ ଦେଇଛୁ, ସେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚଲାଇକିନି ଯେଉଁ ବାଲି ଗାଡ଼ି ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଇନ୍ସ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛୁ ଏବେ, ଆମେ ସେଥିରୁ କହିପାରୁନୁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ତହସିଲଦାର ପାଇଁ ଯେ ଦିନରେ ନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ରାତିରେ ଚଲାଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ନ ମାନନ୍ତି, ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଏ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବିରୋଧରେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।